नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कंटोनमेंट बोर्ड रिक्वायरमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी यहां पर निकल कर आई है। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास के साथ साथ यहाँ पर डिग्री के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कैसे इसको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या योग्यताएं हैं, सारा डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर नीचे आपको मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी है सारा डिटेल में ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो यहां पर देख सकते हैं आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर वैकेंसी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहां पर जो वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट, सफाई वाला पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, इसके बाद मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं कार्यालय छावनी परिषद कसौली में वैकेंसी आई है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है। एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर मैं 20 मार्च 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 15 मई 2020 रखा गया। इसके पहले आपको अप्लाई कर लेना है। नीचे आएंगे तो आपको वैकेंसी टेबल मिल जाएगा और पोस्ट का नेम भी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी है जो कि यहाँ पर 12वीं पास के लिए और फायरमैन की, इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आपको मिल जाएगी। चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते, तो आप नीचे आएंगे डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। यहां पर जो क्लर्क की वैकेंसी, इसके लिए देख सकते हैं यहां पर 12वीं पास रखा गया, प्लस आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी वैकेंसी यहां पर फायरमैन के लिए जो है, यहां पर भी इसके लिए भी 12वीं पास होना चाहिए, प्लस यहां पर फिजिकल क्राइटेरिया अलग से दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप आएंगे बैरियर गार्ड के लिए, यहां पर 10+2 रखा गया और प्लस फिजिकल यहां पर डिटेल दिया गया। इसके अलावा नीचे यहां पर देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है जो कि यहां पर 12th पास के लिए या और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर मजदूर की वैकेंसी जो कि 8वीं पास के लिए है और यहां पर वाल्वमैन की वैकेंसी, ये भी 8वीं पास के लिए। इसके अलावा यहां पर सफाई वाला के लिए वैकेंसी है तो यहां पर ये भी 8वीं पास के लिए है। और बाकी सारा डिटेल के लिए आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। अच्छी खासी सैलरी भी मिलने वाली, परमानेंट जॉब है, सारा डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आप अगर एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। आप डिटेल में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फिर से इसके ऑफिशियल पेज पर आना है और यहाँ पर देखेंगे आपको राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्टर यूजर का ऑप्शन मिला है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देख सकते, सबसे पहले आपको अपना सेलेक्ट करना होगा बोर्ड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी बोर्ड में अवेलेबल है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो बोर्ड कौन सा चूज करना है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी आपको निकल कर आई, यहाँ पर देख सकते कसौली में वैकेंसी निकल कर आई है, तो सिंपली आपको यहां पर कसौली बोर्ड सिलेक्ट करना है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप पोस्ट के नेम में क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सारे पोस्ट यहां पर शो हो जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आप इलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को यहां पर आपको चूज कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं लास्ट पोस्ट नंबर 8 के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो सिंपली आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहां पर चूज कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर इंटर कर लेना है और उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी इंटर कर लेना है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर इंटर करके ओटीपी दिखा देता हूं मैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है गेट ओटीपी का, तो सिंपली आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए गेट ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया जाएगा, वो ओटीपी आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए ओटीपी इंटर करके सिंपली आपको नीचे आना है, कैप्चा कोड मिल रहा है आपको, इस कैप्चा कोड को सिंपली आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है इस बॉक्स में। और फिलअप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको कैप्चा कोड इंटर करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए इतना डिटेल में इंटर करके आपको दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए एक एक डिटेल देख लेते हैं कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल देना है, बेसिक डिटेल में आपको अपना नेम इंटर कर लेना है। तो जो आपका नेम है यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर नेम है तो मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फादर्स का नेम यहाँ पर कंप्लीटली आपको अपने फादर्स का नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग
यस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको नो कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर विकलांग कैंडिडेट हैं तो यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको नो कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी, जो भी आपका कैटेगरी यहां पर चूज कर लीजिए, जनरल एससी एसटी ओबीसी जो भी यहां पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप यहां पर कर्मचारी ही इंप्लॉई हैं जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर नो कर लेना है। इसके बाद एक्स सर्विस मैन है, भूतपूर्व सैनिक है तो यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी नो कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और यहां पर देख सकते हैं आपका जो है डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद एज की काउंटिंग यहाँ पर अपने आप यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी में आपको अपना नेशनलिटी इंटर कर लेना है जो भी है इंडियन जैसे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है और एक मोबाइल नंबर आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे आपको कंप्लीटली अपना एड्रेस फिलअप करना है, एड्रेस में सबसे पहले आपको यहाँ पर मकान नंबर इंटर कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर सिटी का नेम और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद स्टेट का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे आपको अपना पिन कोड यहां पर इंटर कर लेना है और आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहां पर टिक कर लेना है, नीचे का डिटेल अपने आप फिलअप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें तो आप जिस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको यहां पर क्वालिफिकेशन देना कंपलसरी है। जैसे अगर आप 8वीं पास से अप्लाई कर रहे हैं और यहां पर आप जो है देख सकते हो तो यहां पर आपको 8वीं पास का डिटेल देना कंपलसरी है, तो यहां पर इसके लिए आपको सबसे पहले कोर्स का नेम में यहां पर जो भी आपका कोर्स था उसका नेम इंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बोर्ड का नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद कब से आपने कोर्स स्टार्ट किया था, कोर्स स्टार्ट करने का डेट मतलब एडमिशन लेने का डेट अपने अकॉर्डिंग आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद यहां पर पास होने का डेट जो उत्तीर्ण होने का वर्ष है उसको जो है आपको यहां पर इंटर कर लेना है अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसका टोटल कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया है परसेंटेज आपको यहां पर इंटर कर लेना है। ऐसे सेम अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो यहां पर देखते हैं ऐड रो का ऑप्शन है, ऐड रो पर क्लिक करके आप अपने टेंथ किए तो टेंथ का डिटेल भी दे सकते हैं, इसके अलावा ट्वेल्थ किए तो ट्वेल्थ का भी डिटेल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लर्क के लिए या ट्वेल्थ के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टेंथ और ट्वेल्थ का डिटेल देना कंपलसरी है। चलिए इसके बाद नीचे आएंगे और यहां पर देखते हैं आप अगर यहां पर रिजर्वेशन चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहां पर आपको छूट दी जाएगी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आएंगे आपके पास कोई अगर एक्सपीरियंस है अनुभव है तो यहां पर उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, नीचे चले आना है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहा है, अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है उससे रिलेटेड जानकारी है तो यहां पर उसका इंफॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो यहां पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद नीचे आएंगे एक कैप्चा कोड आपको मिलेगा, इस कैप्चा कोड को यहां पर आपको फिलअप करना है और यहां पर सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा, इसको ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पेज आएगा, फिर से आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा मैं दोस्तों यहाँ पर आपको फीस पेमेंट भी करना है, तो फीस पेमेंट किन कैंडिडेट को करना है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं किन किन कैंडिडेट को कितना फीस पेमेंट करना है और किसको पेमेंट नहीं करना है। तो इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर आना है और यहाँ पर दोबारा आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको राइट साइड में ऑलरेडी रजिस्टर यूजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आप अप्लाई किए थे उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन नंबर अपना इंटर कर लेना है जो कि आपके मोबाइल पर भी भेजा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर इंटर कर लेना है और नीचे आएंगे ये कैप्चा कोड मिल रहा है, कैप्चा कोड आपको इंटर करके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपली आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आप लॉगिन हो जाएंगे और यहां पर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको सेकेंड स्टेप जो फिलअप करना है अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और जो थर्ड स्टेप आपका फीस पेमेंट का है। तो चलिए अब ये दोनों स्टेप देख लेते हैं। अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, अब यहां पर आपको स्टेप टू के लिए क्लिक करना है फोटो अपलोड फोटोग्राफ पे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो की साइज की बात कर लेते हैं तो यहां पर जो आपका फोटो होगा उसका जो है साइज जो होगा यहां पर 20 KB से 40 KB के बीच में होगा, फॉर्मेट हमारा जेपीजी होगा। इसी प्रकार सिग्नेचर की बात कर लेते हो तो सिग्नेचर हमारा 10 से 20 KB के बीच में होगा, फॉर्मेट जेपीजी होगा। तो चलिए यहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आपको दिखा देता हूं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फोटो अपलोड कर लिया और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिग्नेचर देख सकते हैं, सिग्नेचर यहाँ पर चूज करेंगे जिस प्रकार फोटो चूज करना है यहाँ पर चूज करेंगे, यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपलोड योर सिग्नेचर पे आपको क्लिक करके अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों उसके पहले यहाँ पर मैं बता दूं, साइज के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं जो फोटो का और सिग्नेचर का नेम होगा इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, आपका इस प्रकार का नेम होना चाहिए, सिग्नेचर डॉट जेपीजी, फोटो डॉट जेपीजी, इस प्रकार का नेम होना चाहिए तभी अपलोड होगा। तो चलिए यहाँ पर अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक कर देता हूँ और आपको यहां पर ओके पर करना है क्लिक और आपका सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार आप फोटो और सिग्नेचर बड़े आसानी से अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर मैंने फोटो भी अपलोड कर लिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया। इसके बाद डायरेक्ट आपको इस पेज पर भेज दिया जाएगा, यहां पर आपका फोटो शो हो जाएगा और यहां पर सारा डिटेल्स होगा, नीचे आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका थर्ड स्टेप है जो फीस पेमेंट के लिए, तो चलिए देख लेते हैं यहां पर फीस पेमेंट कैसे करना है और किन किन कैंडिडेट को फीस पेमेंट करना है। तो चलिए इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्ट फीस पेमेंट की वेबसाइट पर भेज दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर फीस पेमेंट सभी कैंडिडेट को नहीं करना है, अभी मैं बता देता हूं किन किन कैंडिडेट को यहां पर फीस पेमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहां पर बाकी एससी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं, ऑलरेडी पैड दिखा रहा है, तो फीस पेमेंट नहीं करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट हो चुका, आप इसको प्रिंट करके इसका जो है डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए बात कर लेते हैं, तो इसके नोटिफिकेशन में आपको फीस पेमेंट का अमाउंट दिख जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए ₹500 फीस रखा गया है। इसके अलावा एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखा गया, ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी ₹500 यहाँ पर फीस पेमेंट रखा गया है, पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ₹100 का फीस पेमेंट करना होगा और एक्स सर्विस मैन के लिए कोई पेमेंट नहीं है। दोस्तों मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करें, उन फीमेल कैंडिडेट को ₹100 पेमेंट करना होगा जो ओबीसी और जनरल के फीमेल कैंडिडेट है, बाकी एससी कैंडिडेट के फीमेल कैंडिडेट को भी कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। इस प्रकार आपको इतना फीस पेमेंट करना होगा, इसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन के फॉर्म के वेबसाइट पे चलते हैं और कैसे आपको प्रिंट करना है देख लेते हैं। देख सकते हैं फिर से हम पेज पर आ चुके हैं, यहाँ पर जो थर्ड स्टेप आपको फीस पेमेंट कर लेना है, इसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार बड़ी आसानी से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे अपने मोबाइल से फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लगातार जो है लेटेस्ट जॉब अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।